नमस्कार दोस्तों, जो फ्रूट प्लांट हमने क्रिएटिव फार्मर केरला से ऑनलाइन मंगाए थे, आज उनको बड़ी थैली में शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कोको के फ्रूट प्लांट को शिफ्ट कर रहे हैं। थैली को इस प्रकार से निकाला जा रहा है कि इसकी रूट बॉल को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। थैली के बीच में रखकर धीरे धीरे मिट्टी डाली जा रही है। खुरपी की सहायता से अच्छी प्रकार से दबाया जा रहा है ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन ना रहे। यह दूसरा फ्रूट प्लांट जयफल स्पाइस फ्रूट प्लांट है। इन थैली को इस प्रकार से निकाला जा रहा है ताकि इनका प्रयोग हम दोबारा से कर सकें। इसकी जड़ें काफ़ी एक्टिव हैं। इसकी रूट बॉल को भी हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और थैली में पहले मिट्टी डाल दी गई है और उसके बाद थैली के बीच में रखकर धीरे धीरे मिट्टी डाल रहे हैं। खुरपी की सहायता से अच्छी प्रकार से दबाया जा रहा है। इस पौधे को भी हमने शिफ्ट कर दिया है। यह मिरेकल बेरी का फ्रूट प्लांट है। इस प्लांट को भी आज हम बड़ी थैली में शिफ्ट करेंगे। और जब मैंने यह ऑनलाइन फ्रूट प्लांट खरीदे थे, उसके खरीदने के बाद 7 दिन के लिए हमने केले की पेड़ की छांव के नीचे यह फ्रूट प्लांट रखे हैं। इन 7 दिनों में हमने इनके अंदर सिर्फ पानी दिया है। जब हम कोई भी फ्रूट प्लांट ऑनलाइन खरीदते हैं तो वह पौधा सफ़र करके आता है। उस समय पौधा डिप्रेशन में होता है। कुछ दिन अपने गार्डन में रखने के बाद वह पौधा हमारे वातावरण में ढल जाता है। इस पौधे को भी हमने बड़ी थैली में शिफ्ट कर रहे हैं। थैली में पहले मिट्टी डाली गई है, उसके बाद थैली के बीच में रखकर हाथ के द्वारा मिट्टी डाल रहे हैं। खुरपी का भी प्रयोग कर रहे हैं ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन ना रहे। इन फ्रूट प्लांट को मैं कुछ समय के लिए इन्हीं थैली में रहने दूंगा और अगस्त के महीने में जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उस समय अपने नेचुरल गार्डन में ज़मीन में शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर इन पौधों को अभी इस समय हम शिफ्ट करेंगे तो यह पौधे ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मॉनसून में पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इस फ्रूट प्लांट को भी हमने बड़ी थैली में शिफ्ट कर दिया है। अभी तीनों फ्रूट प्लांट को उठाकर हम केले के पेड़ की छांव के नीचे रख रहे हैं। हम 5 से 7 दिन के लिए इन पौधों को यहीं रखेंगे। इसके बाद इनमें पानी डाल दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।